ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लीड आउट इरेजर। फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 द लीफ। हम थर्ड क्लास से प्लांट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और उसका एक पार्ट है लीफ, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सभी प्लांट्स में डिफरेंट टाइप की लीव्स होती है और वो लीव्स साइज में वेरी करती है, शेप में वेरी करती है, और लेकिन सभी प्लांट्स की जो लीफ होती है उनका ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जिसको आज मैं एक्सप्लेन करूंगी। सो फर्स्ट स्ट्रक्चर है लीफ लेमिना और लीफ ब्लेड। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसे कहा जाता है लीफ लेमिना। ये थिन होता है मीन्स पतला, फ्लेट होता है मीन्स चपटा, और ये मोस्टली ग्रीन कलर का होता है मीन्स इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। नेक्स्ट पार्ट इज वेन्स एंड वेनलेट। वेन्स क्या है, जो ये लाइंस मिडरिब से निकल रही है इन्हें वेन्स कहा जाता है, और जो लाइंस वेन से निकल रही है उन्हें वेनलेट्स कहा जाता है। इनका वर्क क्या है, ये वाटर और मिनरल को डिफरेंट सेल में डिस्ट्रीब्यूट करती है। थर्ड पार्ट इज लीफ स्टॉक और पेटियोल। लीफ स्टॉक ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसे कहा जाता है। इसका वर्क क्या है, जॉइंट्स लीफ ब्लेड टू लीफ बेस। जो लीफ ब्लेड जो आपको ये दिख रही है ये इसे लीफ बेस से ये ज्वाइन कर रहा है, यहाँ पे ये ज्वाइन कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट इज मिडरिब। मिडरिब एक लॉन्ग थिक वेन होती है बीच में, जिससे बहुत सारी ये वेन्स आपको निकल रही है, और इसका वर्क क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स को। नेक्स्ट पार्ट इज लीफ बेस। इसका वर्क क्या है, स्वॉलन पार्ट अटैचेस स्टॉक टू ब्रांच। ये एक फूला हुआ पार्ट होता है जो कि ब्रांच से लीफ को अटैच करता है।